हेलो एवरीवन, मैं किरण, फाउंडर ऑफ द किरण एकेडमी। मैं हमेशा बहुत सारी सक्सेस स्टोरी लेके आता हूँ। आज की और एक सक्सेस स्टोरी है, और बाकी लड़कों को भी अपील कर रहा हूँ, जिनको भी सक्सेस मिला हुआ है हमारे एकेडमी से, प्लीज़ आइए, आपको भी पब्लिश होने का मौका दिया जाएगा। हमारे ऑडियंसेस को भी समझ में आएगा कि क्या हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है, बैरियर्स है, प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारे लड़के ही आपको बताएंगे, और सोल्यूशन मान लीजिए मेरा कि आपके पास ही आपका होता है। ये जो तेजस है वो है एंगुलर डेवलपर ट्रेनिंग, 2022 के पास आउट है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से। उन्हीं से जानते हैं कि कैसे सफर रहा, क्या उनको क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने कैसे आंसर्स दिए। वेलकम तेजस, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है पहला आपको कि अभी एंगुलर डेवलपर ट्रेनिंग ये पोजिशन, यस सर, तो क्या है आपका एंगुलर में इंटरेस्ट था? हाँ सर, मेरा पहले से ही फ्रंट एंड में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं एंगुलर डेवलपर ट्रेनिंग के इसके लिए अप्लाई किया था। यस सर। फ्रंट एंड ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ सर। बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, कौन सी पता है आपको? हाँ, बैक एंड में जावा लैंग्वेज यूज होती है, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो थोड़ा कभी प्रोजेक्ट वोजेक्ट बना के देखा? हाँ सर, बैकएंड में APIs वगैरह बना के देखे हैं, और फ्रंट एंड में कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, मतलब फुल्ली फंक्शनल फ्रंट एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट का। क्या क्या था उसके अंदर? उसके अंदर फ्रंट पेज था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, अपना कार्ट पेज, लॉग इन पेज, वेरीफाई पेज, OTP वेरीफाई पेज, सारा आपने किया था? हाँ सर। और सही बात बोलता हूँ मैं, बिलिंग पेज इतना सब करोगे, पढ़ाया हुआ होता है, उतना भी घर में किया, सिलेक्शन जरूर होगा जो भी आप मुझे बता रहे हो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स बनाता हूँ और उसके बाद ट्रेनर आपको डिलीवर करते हैं। कौन ट्रेनर थे आपको? ट्रेनर एंगुलर के लिए सुमित सर थे। ग्रेट ग्रेट, ही इज गुड गाय, और बहुत अच्छा बताया होगा, प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं। दूसरा मुझे अभी सबसे पहले पता करना है कि आपको HR राउंड में क्या पूछा था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया था, फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन एंगल दिस पोजीशन। ओके, तो देखिए ऑडियंस के लिए से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको आपके क्वेश्चंस पता करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्वेश्चंस पे सीक्रेट है क्या? एकदम ही ऐसा छुपा हुआ क्वेश्चन पूछा गया? सब जनरल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो मैं सारे ऑडियंस, सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। देखो क्वेश्चंस नए नहीं होते हैं, जो भी फाइनल ईयर के लड़के हैं आप लोग भी कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे यार, कॉमन क्वेश्चंस, सिर्फ आपको प्रिपरेशन उसका करना है। मेरे पास आइए, प्रिपेयर करा दूंगा, आप अपने आप पढ़िए, प्रिपेयर हो जाओगे। आप यूट्यूब से 1000 चीजें पढ़िए, प्रिपेयर हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट सॉस, और ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो क्या पूछा आपने, बोला फर्स्ट राउंड में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, and why you want to join, why you want to join as a angular developer trainee, or I mean, so where do you want to, I mean, so what do you see in 5 years, in means aapko 5 saal mein aap kahan pe dekhte hain? Okay, so where do you want to see yourself after 5 years? Yes, ye maine ek video bhi banaya hua hai YouTube pe. Ha sir, yes, agar aapne dekha ho, mujhe nahi pata, dekha hai kya aapne wo? Some of देखे। ओके, तो ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरा 5 साल, आप इसको लिंक को आप ऊपर देख सकते हो, मैंने लिंक दी हुई है, प्लीज विजिट कीजिए। तो ये कॉमन क्वेश्चन, और क्या हुआ एचआर राउंड में? कोई क्वेश्चन फिर से टेक्निकल कुछ पूछा उसमें? टेक्निकल नहीं सर, एचआर राउंड में बस इतना ही हुआ। इतना ही हुआ। फिर सेकंड राउंड क्या था? सेकंड राउंड में एक क्वेश्चन आंसर मींस कोडिंग राउंड था, जहाँ पे एक बुक पे कोड करके लिख के दिखाना, कागज और पेन पे कोडिंग करनी। हां यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? सॉर्टिंग ऑफ एरे था। रुक जाइए, अब देखो क्या बोला, सॉर्टिंग ऑफ एरे, सही में बताओ गाइस, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, आप ही बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब छुपा हुआ है क्या, कि सीक्रेट और नया ही क्वेश्चन मिला, ऐसा है क्या, एक कॉमन सेंस वाला है या नहीं? एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस हो चुकी है अभी 2-4 महीने के अंदर। इंस्टीट्यूट में भी बहुत बार वो इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो बहुत नॉर्मल था, वो इजी थी क्वेश्चन। तो सॉर्टिंग ऑफ एरे, उसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स थे क्या? नो सर, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव थे? यस। और क्या क्वेश्चन? हां, सिर्फ उसको जो जावास्क्रिप्ट में करने के लिए बताया। ओके, यही सॉर्टिंग ऑफ एरे जावास्क्रिप्ट में करने के लिए बोला। हां, वो जावा। ओके, नॉट इन जावा। हां, फिर
बस जावास्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स पता थे, बाकी लॉजिक सेम होता है, अगर किसी भी लैंग्वेज में करो तो लॉजिक सेम होता है, इतना पता। आप नॉन आईटी के हो, इतनी टेक्निकल बातें कैसे कर पा रहे हो? हाँ अभी टेक्निकल फील्ड में अभी किरण अकेडमी ज्वाइन करने के बाद बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पता चला, और फिर बेसिक्स वगैरह क्लियर हो गए तो उसके बाद फैमिलियर हो जाते हैं सब। आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। पढ़ाई कहाँ पे भी आती? जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रायसोनी नागपुर, पुलिस नगर। यस सर। सीआरपीएफ गेट। यस सर। तो आप में से जो भी देख रहे होंगे रायसोनी कॉलेज के होंगे तो ये रायसोनी का लड़का है। सो कांग्रेचुलेट हिम इन कमेंट। ओके, सो गिव हिम गुड ब्लेसिंग्स। कैसा रहा कॉलेज का पढ़ाई में और एकेडमी के पढ़ाई में, क्या डिफरेंस आपने देखा? थोड़ा बहुत तो भी कुछ तो देखा, वहां पे भी टीचर थे। हाँ, वो भी अच्छे ही थे, कंटेंट भी अच्छा था। हाँ, सिर्फ एकेडमी में क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो ऐसा डिफरेंस क्या देखा आपने? डिफरेंस है कि वहाँ के मीन्स हमारे जो सराउंडिंग होते हैं उतनी ये मीन्स सीरियस नहीं होते अबाउट स्टडीज उस टाइम पे, कॉलेज चलता रहता है, इन वी आर इन द फ्लो, सो एंजॉय करते जाते हैं। एज सून एज वी पास आउट फिर थोड़ा प्रेशर आता है, और यहाँ पे फिर जैसे अकेडमी में ज्वाइन किया फिर सराउंडिंग वैसी होती है, फिर सभी जन सभी लोग अप्लाई करने का चाहते हैं, सभी लोग अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद एक सराउंडिंग अच्छी मिल जाती है, और सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है पढ़ाई करते वक्त। और यहाँ पे असाइनमेंट्स, होमवर्क वहाँ पे तो करना ही पड़ता है कॉलेज में ऑब्वियसली, बट यहाँ पे करवाया जाता है। हाँ सर। थोड़ा और क्या डिफरेंस देखा आपने पढ़ाने में? पढ़ाने में डिफरेंस मीन्स वहाँ पे भी होता था, वहाँ पे भी फैकल्टीज अच्छी है हमारे कॉलेज में भी, वो भी चाहते थे कि हम भी अच्छे जगह प्लेस हो, अच्छी पढ़ाई करें, बट इट्स मिसिंग। मतलब वहाँ आप सीरियस नहीं थे, बाकी है सब सेम। हाँ, मोटा मोटा ये है कि हर टीचर चाहता है कि नौकरी मिले। हाँ। मैं बायस नहीं होऊंगा कि कॉलेज में मैंने भी पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा होता है, केवल वो आपके अंदर मार्गदर्शन और आपको एक पुश देना, वो काम। हाँ। यहाँ करते हैं हम ज्यादा कि भाई कर ले। हाँ, वहाँ पर बल्क ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे पर्सनली आपको एक गाइडेंस मिलता है, एक टीम रहते हैं एकेडमी में। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लास्ट राउंड कोई हुआ? लास्ट राउंड मींस टेक्निकल राउंड, यही बस। फर्स्ट और दो राउंड ही हुए आपके? हाँ, दो या तीन मींस टू राउंड्स ओनली, एचआर एंड टेक्निकल। ठीक है। आपको इस ओपनिंग के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ ओपनिंग है करके? सबसे पहले व्हाट्सएप पे कोर्स कंप्लीट हो गया था, घर में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। फिर एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि मींस यहाँ पे ओपनिंग है, दिस वो अपने प्लेसमेंट के ग्रुप में आया होगा। हाँ, प्लेसमेंट के ग्रुप में। फिर वहां से फिर मैम को मैंने कॉन्टेक्ट किया कि अबाउट दिस प्लेसमेंट। कौन सी मैडम को? अमिता मैम। फिर उन्होंने बताया कि पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं आप, फिर वहां पे जाकर मैंने पोर्टल पे अप्लाई किया। तो आपको पता नहीं था कि पोर्टल पे अप्लाई करते हैं? पता था, बट मेरी वो ओपन नहीं था पोर्टल उस टाइम पे। क्यों? यूजर आईडी पासवर्ड नहीं था? ड्यू टू सम बग वो पोर्टल ओपन हो गया था, मेरा पर्सनल मेरा। ओके, आपका नहीं हो रहा था? हाँ, हाँ। तो फिर मैम को बोला तो मैम ने खुद से करके दिया। दोनों ने अप्लाई करके दिया? हाँ मैम, वो प्लेसमेंट बंद हो चुकी थी, प्लेसमेंट अप्लाई करना, बट मैम को कॉल करते ही मैम ने बोला मैं एक्सपायर हो चुकी थी वो अपनी। एक्सपायर हो चुकी थी, एक्सपायर के बाद भी मैम ने करके दिया, तो उस टाइम उसके साथ मेरा हो गया। बाकी प्लेसमेंट टीम को जब भी आप कुछ पूछते हो हेल्प करते हैं कि नहीं करते? ऑलवेज हेल्पफुल सर। ओके ओके, जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं। कॉल्स वगैरह जॉब ओपनिंग्स आते रहती है? हाँ, आती रहती है सर। तो फिर आपका ये पहला क्यों था? मतलब आपने ऐसा बोला कि ये पहला इंटरव्यू था आपका? हाँ, राइट, जो भी है मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ चीजों को, तो फिर आपका पहला ही अगर है ये और ओपनिंग्स आती रहती है, फिर आप क्यों नहीं दे रहे थे इंटरव्यू? सर, मुझे स्पेसिफिकली एंगुलर डेवलपर के लिए जाना था। ओके, तो आप उसका वो वेट कर रहे थे? हाँ, स्पेसिफिक। तो ऐसा नहीं करना है? मोस्टली जावा डेवलपर के लिए मींस अलग अलग आ रहे थे, तो आपका इंटरेस्ट इसमें था, तो आप वेट कर रहे थे, ओपनिंग्स देखते थे, बट अप्लाई नहीं दबाते थे ताकि आपको एंगुलर में जाना है। हाँ सर। गुड यार, गुड। कितना परसेंटेज है बोला इंजीनियरिंग में आपको? 72%। नाइस। और 12th? 58%। 10th? 65%। एक जगह आप 60 के बिलो हो गए। हाँ सर।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंजीनियरिंग में आपका नॉन आईटी था? यस सर। तो थोड़ी दिक्कत गई होगी स्टार्ट में? स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स समझने में थोड़ा दिक्कत गई, बट बेसिक से स्टार्ट किया था इसलिए फिर समझ आ गया कि जो आपका अर्ली एजुकेशन है 1 to 4, 1 to 8 ये कौन से मीडियम में था? सेमी इंग्लिश था, फुल इंग्लिश आफ्टर 6th। आफ्टर 6th फुल इंग्लिश? यस। 7th में कंप्लीट इंग्लिश थी? हां यस। कोई मराठी सब्जेक्ट नहीं? मराठी हिंदी सब्जेक्ट था, बट जो हिस्ट्री है ज्योग्राफी है वो इंग्लिश में था। हां वो इंग्लिश में था, बाकी सिलेबस। और 1 टू 4th सेमी इंग्लिश? 1 टू 4th कॉन्वेंट, मतलब कॉन्वेंट में पढ़े हो? हां सर। कि झेडपी मराठी इंग्लिश जिला परिषद में पढ़े? कॉन्वेंट। जिला परिषद में नहीं पढ़े आप? नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जिला परिषद में पढ़ा हूँ, तो मैं जस्ट अपने से रिलेट करना चाहता हूँ लोगों को, और कुछ नहीं है। बट एनी वे इट्स नाइस टू हियर दैट यू गॉट अ जॉब एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। यस। पेरेंट्स भी हैप्पी होते हैं, अच्छा लगता है। जितना आप अच्छा करोगे वहाँ पे जॉब में उतना पैसा भी आता है। पैकेज सेकेंडरी होता है, देखो नेक्स्ट लेवल होती है हमेशा, तो वो फोकस ही नहीं रखना चाहिए, पहले तो पढ़ाई करनी है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? डेली फिक्स नहीं था, बट रेगुलर था। आई वाज रेगुलर। रेगुलर मतलब ट्यूशन रेगुलर करते थे? ट्यूशन रेगुलर और पढ़ाई भी रेगुलर करता था, बट मींस एज पर टॉपिक, हार्ड टॉपिक रहा तो उसको थरोली ज्यादा करना, इजी रहा तो थोड़ा मींस, बट रेगुलर आई वाज रेगुलर इन स्टडी। कोर जावा? कोर यस। पढ़ाई की थी? यस सर। किसने पढ़ाया था आपको? याद नहीं अभी। एडवांस जावा? I know संतोष सर। ओके, एडवांस जावा में कौन? सागर सर। सागर सर। एंगुलर? सुमित सर। ओके ओके। मॉक इंटरव्यू आपने दिया नहीं कोई भी? नो सर। क्यों? मींस आई वाज मॉक इंटरव्यूज होते हैं राइट? यस। क्यों नहीं दिया आपने जब होते हैं? शेड्यूल हो गया था मेरा, बट उस टाइम पे मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं उस टाइम पे दे नहीं पाया। फिर मैं शेड्यूल करवाने वाला था खुद का मॉक इंटरव्यू, फिर ये कॉल रिसीव हुआ मुझे। प्लेसमेंट टीम से कॉल्स वगैरह आते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, इसके लिए, उसके लिए आते रहते हैं? सामने से कॉल आया था प्लेसमेंट टीम से, कॉल करते रहते हैं। हां यस सर। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता आपको क्या लगता है क्यों नहीं होता होगा? मींस नॉन, मतलब ये सिलेक्शन होने में फीस का कोई लेना देना तो है ही नहीं? नो सर। ज्यादा पैसे देते तो जल्दी होता, या ज्यादा पैसे देते तो होता नहीं, या कम पैसे देते तो हो जाता, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। जो कुछ है आपके ऊपर डिपेंड है। तो बताइए मैसेज क्या है आपका, उधर देख के बोलिए अपने ऑडियंस को कि यार सिलेक्शन नहीं होने वाले के लिए आपका क्या मैसेज है, क्यों नहीं होता उनका सिलेक्शन, क्या लगता है? सिलेक्शन ना होने का रीजन यही है कि मींस पढ़ाई कम होती है, उसकी वजह से बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो एक मेन रीजन होता है। और जहाँ से हम अप्लाई करते हैं मीन्स अप्लाई करने के बाद कॉल्स नहीं आते हैं, ये मतलब होता है सबके साथ, बट जो भी कॉल आते हैं उनको कितने सीरियसली लेते हैं हम, और कॉल आने के बाद मीन्स उस इंटरव्यू को कितना सीरियसली लेते हैं हम, वो इम्पोर्टेंट होता है। पर आप तो अपने कलीग्स को देखते होंगे, मैं वो बोल रहा हूँ कि कहाँ पे दिक्कत हो रही होगी लोगों की, अगर जिनका होता, देखो होता तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन है, बट फिर भी बचे हुए लोगों का क्यों नहीं होता होगा, उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने अंदर? इम्प्रूवमेंट मीन्स प्रोजेक्ट्स करते रहने चाहिए, प्रैक्टिस चालू रखनी चाहिए सिर्फ, उससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आती है अपने जिस फील्ड में भी मीन्स आप स्टडी कर रहे हो उसकी, और ज्यादा थरोली स्टडी हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते खुद से उस टाइम पे और भी ज्यादा डिफिकल्टीज दिखती है हमें, तो उससे स्टडी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी। बाकी हम प्रैक्टिस करते रह सकते हैं और अप्लाई करना करते रह सकते हैं। चलेगा चलेगा। एनीवे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तेजस, आपको शुभकामनाएं, आप आगे भी बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि जॉब लग गया मतलब बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना? यस सर। यस। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, थैंक यू। ओके, यस, सो कीप दिस विथ यू। तो बहुत अच्छा लगा, और इस प्लेटफॉर्म पे दूसरे भी लोग अगर कोई है जिनको अपनी सक्सेस स्टोरी पब्लिश करनी है, जो अभी शायद चालू किया मैंने ये कार्यक्रम, पहले नहीं किया करता था, पहले केवल फोटो सोशल मीडिया पे डालते थे कि इतना पैकेज मिला उतना मिला, बट आई थॉट लाइक कि उनके प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, कब होगा, क्योंकि
मेरे पास बहुत ऐसे लड़के आ रहे हैं जो अभी 2023 के लड़के, आपका कब का पास आउट है? 22, तो अभी बहुत सारे लड़के 23 के आ रहे हैं, तो 22 वालों का प्रॉब्लम होने वाला है। जितने जल्दी हो गया हो गया, नहीं हुआ बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये स्टोरीज ला रहा हूँ आपके आगे, शेयर कीजिए, अच्छी लगे आपको लाइक करें, आप भी अपने कॉलेज में भेजिए इसको, ठीक है? आपके कोई सर को पहचानते हो आपके कॉलेज के? यस सर, कांटेक्ट में। कौन से सर? सुमित सर करके एक है, रायसोनी में। रायसोनी में यस सर। एचओडी? एचओडी नहीं, एचओडी मैम से कांटेक्ट नहीं है, राजदीरकर मैम है। राजदीरकर मैम, यस, बोलिए उनके बारे में, थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। नहीं, वो भी सुनेंगे, आई विल सेंड इट अक्रॉस। हम भी रायसोनी कॉलेज में गए हुए हैं, ठीक है ना? सो अपने सेमिनार्स होते हैं वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन अनदर सीरीज विच वी आर ब्रिंगिंग ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, जस्ट विजिट दैट प्लेलिस्ट। मैनुअल टेस्टिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो आप उस ट्यूटोरियल्स को देखिए, नई सीरीज है, इसलिए मैं इस वीडियो में भी इसको बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसका फायदा ले सके। कॉलेजेस के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत जल्दी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, हम उनके लिए भी अभी बहुत सारी सीरीजेस लाने वाले हैं। उन लोगों के लिए कैंपस प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उसके लिए स्पेशल सीरीज आपके लिए आ रही है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।